जय बोले जय बोले ना जय बोले बम बम बोले। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। आपने एपिसोड 3 में देखा, सबके सहयोग से अजमेरा परिवार द्वारा हमारी यात्रा बालटाल तक पहुंच गई थी। अब हम आपको दिखाएंगे बालटाल से अमरनाथ गुफा की यात्रा। ऐसे तो इस यात्रा को बालटाल व पहलगांव दोनों जगह से शुरू किया जा सकता है। पहला रास्ता पहलगांव से है। यह रास्ता बड़ा ही आरामदायक रास्ता है और पंचतरणी से बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए चढ़ाई शुरू होती है। इस तरह से पहलगांव से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। यह रास्ता बड़ा ही आरामदायक रास्ता है, लेकिन बालटाल का रास्ता बड़ा ही रोमांटिक व आनंदमय है और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यह रास्ता बड़ा रोमांटिक होने के कारण यात्रीगण बालटाल वाले रास्ते से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। गहरी खाइयों, सिकुड़े रास्ते होने के कारण यह यात्रा थकान भरी होती है। बरसात के टाइम तो इस रास्ते में जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि बरसात होने से जो ये आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो ना, इन्हें पानी के साथ बहने का डर रहता है और कच्चा रास्ता होने के कारण कीचड़ में चलना तो भाई बड़ा ही मुश्किल होता है। इससे यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है, इसलिए तो श्रद्धालु इस यात्रा को एक डंडे के सहारे से करते हैं, जिससे कि थकान दूर हो और हम आराम से यात्रा कर सकें। बम बम भोले बम बम भोले बम भोले जय भोले जय भोले जय भोले बम बम भोले बम बम भोले जय भोले की 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 जय। यात्रा के दौरान हमें रास्ते में कई मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर जमी बर्फ का दृश्य तो यात्रियों के मन को बहुत ही भाता है। जगह जगह पर पहाड़ों से झरने बहते भी इस यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। रास्ते में यात्रियों की सेवा के लिए निशुल्क भंडारे भी लगाए जाते हैं। ऊंचाई से दिखने वाली पगडंडी तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देखिए यात्रीगण कैसे इन पगडंडियों से आ रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये। Thank you.
यहाँ कुछ लोग तो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए आकाश मार्ग से भी जाते हैं। आपको रास्ते में कई हेलीकॉप्टर दिखाई देंगे, देखिए वो आ रहा है हेलीकॉप्टर। बाबा अमरनाथ की यात्रा जून जुलाई माह से प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा पूरे श्रावण महीने तक चलती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले, जय भोले। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहली बार श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ यात्रा को बड़ा महत्व दिया गया है। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस गुफा के आसपास का दृश्य। आपको यह तो मालूम है कि अमरनाथ को सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। अब आपको हम अमरनाथ गुफा के दो कबूतरों का रहस्य बताते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष इस गुफा में रहकर तपस्या की थी, इसलिए यह शिव का एक पवित्र स्थान है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ इस रहस्य को शुक यानी तोता और दो कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए और वो कबूतर आज भी इस गुफा में कई यात्रियों को दिखाई देते हैं
जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। तो बोलो बाबा अमरनाथ की। आप हमारे चैनल शकुंतलम वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी हम आपको अमरनाथ से जयपुर के दृश्य भी तो दिखाएंगे।